अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सरमजीत खान और आज हम चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन एचसीएफ एलसीएम सिंपलीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमारे पास तीन इक्वेशंस जो है वो गिवन है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद हम अलग अलग इक्वेशन को जो है अलग अलग डोनेट कर देंगे, यानी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, और फिर हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इन तीनों में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ जो है वो लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमने करना है, हमने सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा। अब आपने क्या करना है, आपने लिखो जो कोमे से, ये जो कोमे से पहले वाली इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1, फिर जो कोमे से जो सेकंड वाली है इक्वेशन 2, और ये थर्ड वाली इक्वेशन 3। तो मैं इसको अलग अलग से टेक कर देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद अब मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का 2। इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, ये है इक्वेशन 1। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर प्लस का 3y और प्लस का 2। इसको मैं इक्वेशन 2, ठीक है, बना रहा हूँ। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है वाई क्यूब प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का y और प्लस का 2। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 3 कर देता हूं। अब आपने क्या करना है, पहले आप इक्वेशन 1 को टेक करेंगे, इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के बाद फिर आप इक्वेशन नंबर 2 को टेक करेंगे, और फिर इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के बाद आप इक्वेशन नंबर 3 जो है वो टेक करेंगे। ठीक है, और इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आपने इसमें एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम लिख देंगे टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास है वाई स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का 2। यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि यहां पे हो रही है फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज में हम क्या करते हैं, फैक्टराइज में हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हम जो है उसमें कॉमन लेते हैं और हम पेयर्स बनाते हैं। तो अब यहां देखो, यहां पे आपके पास जो वाई स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट में आपके पास 1 है। ठीक है, अब ये 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट हमारे पास जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 बन रहा है। तो हमने मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है, इस y को हमने इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 2 आए, और अगर वापस उसको प्लस माइनस करूं तो वापस जो है वो y बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको चलो ब्रेक करता हूं, मैं वाई स्क्वायर प्लस यहां पर मैं लिख दूंगा 2y और यहां लिख दूंगा मैं माइनस का y। क्यों, देखो मैंने 2y माइनस y लिखा। अब देखो y के कोफिशिएंट में यहाँ पे 2 है और y के कोफिशिएंट में यहाँ पे 1 है, तो 2 बन जा 2, यानी मेरा जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है। और अगर मैं इसे वापस प्लस माइनस करूंगा तो ये देखो ये प्लस का 2y है और ये माइनस का y है, तो प्लस माइनस डेफिनेटली माइनस ही होगा लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो 2y से जब y जाएगा तो प्लस का y रह जाएगा, क्या रह जाएगा, प्लस का y। ठीक है, इसका मतलब मैंने इस प्लस के वाई की जगह ये 2y प्लस का और माइनस का वाई लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक किया है और ये माइनस का 2 अपनी जगह उसी तरीके से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेना है कॉमन, क्या लेना है, आपने लेना है कॉमन। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए अब आपने देखना है इन दो टर्म्स के अंदर, यानी y स्क्वायर प्लस का 2y के अंदर भी आपने कॉमन लेना है
और फिर y माइनस टू में भी आपने कॉमन लेना है। तो मैं इन दोनों टर्म्स में देखें y स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे 2y है, तो दोनों में y जो है वो कॉमन आ रहा है, मैंने y को कॉमन लिया, यहां से y की पावर 2 थी, एक y बाहर गया तो एक y अंदर, प्लस का प्लस, अब यहाँ पे था 2y, जब y को मैंने कॉमन ले लिया तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिंपल 2 बचेगा जिसे मैंने लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स मैंने इस तरीके से कॉमन लेना है कि जो मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स हैं दोनों वो सेम आए। फैक्टराइजेशन आपकी तब ही दुरुस्त होती है जब आपके दोनों स्मॉल ब्रैकेट जो हैं वो बिल्कुल सेम आए, ठीक है। तो मैं क्या कर लूं, मैं माइनस का 1 जो है वो कॉमन ले लेता हूं। माइनस का 1 मैंने क्यों कॉमन लिया, ताकि मेरे पास यहां से जब मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये प्लस का वाई रह जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2, यानी मेरा स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और कॉमन तो मैं ले नहीं पा रहा, तब मेरा स्मॉल ब्रैकेट जो है सही नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने माइनस का 1 ही उसको ही मैं प्रायोरिटी दूंगा, माइनस का 1 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास y प्लस 2 जो है वो इजिली बन जाएगा। अब माइनस का 1 मैंने कॉमन लिया, यानी माइनस साइन को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये y जो है ये माइनस में था तो ये अंदर प्लस में रह जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2। देखें जब भी हम माइनस साइन को कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में जो वैल्यू होती है वो प्लस में हो जाती है, जैसे देखो माइनस में y था वो प्लस में हो गया और जो माइनस में 2 था वो भी प्लस का 2 हो गया, क्योंकि माइनस साइन को मैंने कॉमन ले लिया तो प्लस का y बचा और प्लस का 2 बचा। इस तरीके से जो मेरे दोनों स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो सेम आ गए, यानी मेरी फैक्टराइजेशन जो है वो सही हो रही है। अब दोबारा देखें, दोबारा यहाँ पे मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो ये देखो ये वाली जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, मैंने पहले भी बताया था आपको, माइनस साइन से पूरी पहले ये फर्स्ट टर्म है और ये माइनस साइन के बाद पूरी जो है ये सेकंड टर्म है। हमने क्या करना है, हमने इसमें दोबारा कॉमन लेना है, क्योंकि दोबारा इसमें कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टर्म में भी वाई प्लस टू है, सेकेंड टर्म में भी वाई प्लस टू है, तो मैं वाई प्लस टू को क्या कर लूंगा, दोबारा मैं कॉमन ले लूंगा। अब जो बच जाएगा, अब मेरे पास क्या बचेगा, देखो दोनों टर्म में मैंने वाई प्लस टू को जो है वो कॉमन ले लिया, ठीक है, अब मेरे पास बचेगा y माइनस 1 जिसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या किया, इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहां पे सॉल्व कर लिया है, अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 2 और फिर इक्वेशन नंबर 2 को भी हम सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से फिर हम इक्वेशन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे टेकिंग नाउ, taking equation 2, ठीक है। अब हम टेक करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, यहां पे मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है y स्क्वायर प्लस का 3y और प्लस का 2, तो मैं इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको यहां लिख लेता हूं, y स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद है प्लस का 3y और प्लस का 2। अब जैसे मैंने यहां पे इक्वेशन नंबर 2 जो है वो लिख लिया है, अब मुझे इसको भी फैक्टराइज करना है, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है, और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर जो 3 है वो भी फैक्टराइज हो रहा है। तो मुझे सबसे पहला काम जो हम करते हैं, हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, तो यहां पे देखो y स्क्वायर के कोएफिशिएंट में 1 है और लास्ट टर्म 2 है, तो 1 2 जा 2, यानी मुझे 3y को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर उससे मल्टीप्लाई करूं तो 2 बने और वापस प्लस माइनस करूं या प्लस प्लस करूं तो वापस 3y बने। तो मैं y स्क्वायर को अपनी जगह लिख रहा हूं, यहां पे मैं अगर प्लस का 2y कर दूं और प्लस का y कर दूं, तो मुझे पता है कि y के कोएफिशिएंट में 1 है और ये 2y है, अब जब 2y प्लस y इसको अगर ऐड करूंगा तो वापस क्या बन जाएगा, प्लस का 3y बन जाएगा, यानी मैंने प्लस के 3y की देखो जो 2y प्लस y लिखा है ये इसके इक्वल है और मैंने मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक किया है। और अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके कोएफिशिएंट से, यानी y के कोएफिशिएंट में यहां पे 1 है तो 2 1 जा 2, ठीक है, यानी मिडिल टर्म मेरा ब्रेक हो गया, अब ये प्लस का 2 जो है उसी तरीके से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है कॉमन, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों टर्म्स के अंदर, यानी जो पहले की y स्क्वायर प्लस 2y है इसमें भी कॉमन आ रहा है और जो y प्लस 2 है इसमें भी हम जो है सेम, हमने मिडिल टर्म जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सेम लाने के लिए हमने इस तरह कॉमन लेना है कि दोनों जो स्मॉल ब्रैकेट है वो हमारी सेम आए।
तो इस टर्म में और इस टर्म में वाई कॉमन आ रहा है, तो मैंने वाई को कॉमन ले लिया। अब जब मैंने वाई को कॉमन लिया तो यहां से देखो वाई स्क्वायर था, वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से वाई वाई की पावर एक जो है वो अंदर ले जाएगी। देखो टू वाई थी ना, वाई की पावर टू थी, एक वाई बाहर आई एक वाई अंदर स्मॉल ब्रैकेट में प्लस। अब मैंने टू तो कॉमन नहीं लिया लेकिन वाई को मैंने कॉमन लिया, तो वाई को यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ टू लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को सेम लाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस वन लिया था क्योंकि माइनस साइन को जब कॉमन लिया तो दोनों वैल्यूज जो है वो प्लस की हो गई, यहाँ पे मैं सिर्फ प्लस का वन ले लूंगा कॉमन। क्यों? क्योंकि मुझे जो स्मॉल ब्रैकेट है वो सेम बनानी है। तो यहाँ पे जब प्लस का वन कॉमन लिया तो यहाँ पे वाई बचा प्लस यहाँ पे टू बच गया। अब मेरी दोनों स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सेम है, यानी मेरी फैक्टराइजेशन जो है वो सही सिम्थ में है और मैं सही जा रहा हूँ। अब दोबारा देखो, ये हमारी फर्स्ट टर्म है प्लस से पहले और प्लस के बाद है सेकंड टर्म, इस वाले प्लस। ठीक है, तो मैं वाई प्लस टू को दोबारा क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा और मेरे पास बच क्या जाएगा, बच जाएगा वाई प्लस का वन। ठीक है, अब यहां मेरी इक्वेशन नंबर टू भी मैंने सॉल्व कर ली है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लूंगा इक्वेशन नंबर थ्री और मैं अब सॉल्व करूंगा इक्वेशन नंबर थ्री को। सही है, तो मैं लिख दूंगा अगेन टेकिंग अगेन नाउ टेकिंग इक्वेशन थ्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर थ्री को टैग करेंगे यानी इसको लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर थ्री हमारे पास है वाई क्यूब, यहां पे मैं लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर थ्री को, प्लस का टू वाई स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद है प्लस का वाई और प्लस का टू। यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे देखें आपकी जो टर्म्स है वो फोर है, यानी आपकी मिडिल टर्म जो है ऑलरेडी यहां पे ब्रेक है। यहां पे आपने जो पहला स्टेप जो हम करते हैं, जो दोनों इक्वेशनों में जो हमने पहला स्टेप किया था, सवाल लिखने के बाद हमने क्या किया था, यानी इक्वेशन को लिखने के बाद हमने जो पहला स्टेप किया था उसमें हमने मिडिल टर्म को ब्रेक की थी, लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट जो है वो कॉमन लेना है। और जैसे ही आप कॉमन लेंगे आपके पास स्मॉल ब्रैकेट जो है आपकी सेम आएंगी, दुरुस्त आएंगी। तो देखो जो पहली टर्म है यानी वाई क्यूब प्लस का टू वाई स्क्वायर है, इन दोनों में वाई स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है। अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहाँ से वाई बच जाएगा और यहाँ से मेरे पास सिंपली टू बच जाएगा। तो मैं दोनों में वाई स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ। अब जब मैंने वाई स्क्वायर को कॉमन लिया तो देखो यहाँ पे वाई की पावर थ्री है, तो वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे सिंपल वाई बचा प्लस यहाँ से भी वाई स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ टू बच जाएगा क्योंकि वाई स्क्वायर को तो मैंने कॉमन ले लिया। इस तरीके से यहाँ स्मॉल ब्रैकेट को सेम लाने के लिए मैं प्लस का वन ही कॉमन ले लूंगा और यहाँ से मेरे पास वाई और प्लस का टू उसी तरीके से ले जाएगा। ठीक है, अब दोबारा देखो, अब प्लस से पहले जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, इसमें वाई प्लस टू आ रहा है और प्लस के बाद जो टर्म है इसमें भी वाई प्लस टू आ रहा है, तो मैं वाई प्लस टू को दोबारा कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, और जो मेरे पास बच जाएगा वो मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस का वन बच जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और जो तीनों इक्वेशन है आपकी, इसके आंसर में आपके पास अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो तीनों में कॉमन है वो एक पेयर आपके पास बन रहा होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हमने टेकिंग इक्वेशन वन किया था, तो यहाँ पे आंसर में हमारे पास वाई प्लस टू वाई और वाई माइनस वन है। इस तरीके से इक्वेशन नंबर टू के जो आंसर, उसमें आपके पास वाई प्लस टू और वाई प्लस वन है। इस तरह इक्वेशन नंबर थ्री के आंसर में भी आपके पास वाई प्लस टू और वाई स्क्वायर प्लस वन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो y प्लस टू है वो दरअसल हमारा HCF है क्योंकि वो इक्वेशन नंबर वन के अंदर भी मौजूद है
इक्वेशन नंबर टू के अंदर भी मौजूद है, इक्वेशन नंबर थ्री के आंसर में भी मौजूद है। तो हमारा एच सी एफ क्या होगा, हम यहां लिखेंगे एच सी एफ। एच सी एफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो हमारा जो एच सी एफ है वो है वाई प्लस टू, क्योंकि ये तीनों इक्वेशन के आंसर में मौजूद है और यही हमारा वो कॉमन फैक्टर है जो कि हमारा आंसर है।